नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोएट, जो कि अपनी सिंपल पोएट्रीज के लिए जाने जाते थे और अपनी पोएट्री में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे ताकि हर आदमी उनकी पोएट्रीज को समझ सके। और उनकी अधिकतर कविताएं नेचर बेस्ड होती थी, यानी कि वो नेचर पे लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को और 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई थी। माना जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय गान होता है। अगर मान लो राष्ट्रीय कवि की अगर कोई उपाधि होती तो वो इनको दी जाती, ऐसा माना जाता है। और इसी बात से इनकी महानता का अंदाजा भी लगता है हमको कि कितने बड़े पोएट रहे होंगे ये। तो आज हम इनकी एक पोएट्री स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों इतनी सिंपल सी पोएट्री, अगर इसको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट भी पढ़ा जाए तो आराम से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हम भी ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। हूज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसके वुड्स हैं, शायद मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दाओ, हालांकि उसका घर जो है वो गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो ये नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और ये देख रहा हूँ कि उसके वुड्स जो हैं वो किस तरह से बर्फ से ढक रहे हैं। तो फर्स्ट अंजाम में हमको पता चलता है कि पॉइंट किसी वुड्स यानी कि जंगल के आसपास आकर के खड़ा है और कहता है कि वो शायद इसके मालिक को भी जानता है। और आगे की लाइनों में कहता है कि वो उसका मालिक जो है वुड्स का, वो उसको नहीं देख पाएगा कि वो यहाँ पे खड़ा है और उसके जंगलों को निहार रहा है, किस तरह से वो बर्फ से ढक रहे हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा छोटा सा घोड़ा, पोनी, पोनी बोलते हैं छोटे से घोड़े को, मेरा छोटा सा घोड़ा ये जरूर सोच रहा होगा कि कितनी अजीब बात है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि मालिक आज यहाँ कैसे रुक गए, यहाँ तो कोई आसपास फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक जमी हुई झील और वुड्स के बीच में आकर कैसे रुक गए आज मालिक। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये सुबह का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है और ये कह रहा है कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे काली रात। इस स्टेंजा में हमको क्या पता चला, यहाँ पॉइंट कहता है कि मेरा घोड़ा भी जो है, जो कि छोटा सा घोड़ा है, वो भी ये सोच रहा होगा कि मालिक आज यहाँ कैसे रुक गए, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। आमतौर पर मालिक जो है वो एक फार्म हाउस के आसपास रुकते हैं, कोई भी फार्म हाउस हो, और यहाँ पे एक जमी हुई झील है और वुड्स है, उनके बीच में आकर के कैसे रुक गए मालिक, और ये रात जो है वो साल की सबसे काली रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, यहाँ पे ही शब्द घोड़े के लिए यूज़ किया है कि घोड़ा जो है वो अपनी हार्नेस बेल्स को शेक करके बजा रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि जैसे अपनी हार्नेस बेल्स को बजा करके पूछ रहा हो कि कुछ गलती हो गई है क्या। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, यहाँ पे जो है वो हार्नेस बेल्स के अलावा सिर्फ बर्फ में चलने वाली हवा होती है ना, उसका साउंड है। स्वीप का मतलब होता है हवा चलने पे जो साउंड होता है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, अब वो बोलता है कि स्वीपिंग साउंड जो है वो बर्फ पड़ने की वजह से आ रहा है। अब इस स्टेंजा में हमको क्या पता चलता है कि उसका घोड़ा जो है पॉइंट का, वो अपनी हार्नेस बेल्स को बजा रहा है। हार्नेस बेल्स जो होती है वो घोड़े के बांधी जाती है, कुछ बेल्स वगैरह बांधी जाती है, वो बजा के पूछ रहा है कि कुछ गलती हो गई है क्या जो यहाँ पे आकर के रुक गए हो। और जो एक साउंड के बारे में उसने मेंशन किया ऐसी इन लाइनों में कि जो साउंड है वो हवा का, वो चल रहा है, वो हार्नेस बेल्स के अलावा ओनली वो साउंड वहाँ पे मौजूद है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो वुड्स हैं वो कितने लवली हैं, कितने घने हैं और कितने काले हैं, डार्क और डीप हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो लास्ट की दो तीन लाइनें हैं ना, ये थोड़ी ध्यान देने वाली है, इनसे क्वेश्चन बनता रहता है जो है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो पॉइंट उन वुड्स को देख करके खो गया था, अब उसको अचानक से याद आता है कि उसने बहुत सारे वादे किए हैं जो उसे पूरे करने हैं मरने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट लाइनें हैं इनका अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में अपने अपने तरीके से मतलब निकाला जाता है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्लीप को ये कई तो रेस्ट से कंपेयर करते हैं, कई डेथ से कंपेयर करते हैं, तो आप डेथ ही लिखना, कि उसे मरने से पहले बहुत सारे वादे पूरे करने हैं इसलिए वो खुद को चौकन्ना कर लेता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही सिंपल पोएट्री थी यार, इसको तो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट भी पढ़ा जाता तो हम समझ जाते,
अरे भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यही तो खासियत थी, वो लिखते थे तो बहुत ही सिंपल लिखते थे और समझ में आ जाए ऐसा लिखते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।